ये देखो, ये फेस वॉश ले लिया है, पेस्ट और ब्रश, और ये सारे, ये शर्ट नहीं ले जा रहा, ये सब मेरे कपड़े। ये पापा की बड़ी गाड़ी से गिरी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ और टुडे इज 7th of July और कल हम लोग एक ट्रिप के लिए निकल रहे सब फ्रेंड्स लोग। सो कहाँ जा रहे हैं वो सब मैं नहीं बताऊंगा अभी, और मैंने काफ़ी दिनों से बाल कटवाने का बोल के रखा था पर अभी तक बाल नहीं कटवाया था। सो मैं अभी जा रहा हूँ आज बाल कटवाने, क्योंकि अब ट्रिप पे भी जा रहे हैं 5-6 दिनों के, सो थोड़ा अच्छा दिखना पड़ेगा। तो बाल कटवा के आते पहले फिर बात करते हैं। तो हेयर कटिंग सब करवा लिया था मैंने, और अभी बस एक लास्ट मीटिंग रह गया। हम लोग जो ग्रुप हम लोग जा रहे हैं उन लोगों का बस एक छोटा सा मीटिंग रह गया है कि उसमें डिसाइड करना है हमको कि क्या लेके जाना है, अभी फाइनल करना है, और जो भी थोड़ी बहुत बातें रहेगी वो कर दे। हम लोग आ रहे थे बाइक से, मेरा कपड़ा गिर गया, मैं लगती दौड़ के आ ये तो टीजर है था। एक कोई नाम मत लेना, जहाँ जगह जा रहे, मैंने सस्पेंस रखा है एकदम। गोवा का कोई नाम मत लेना। मैं गोवा जाने का है ये प्रथम, इसको मैंने अच्छे से मिलाया नहीं था, इसको तुमने देखा ही होगा, जाने तेरे को नहीं दिखा रहा। देखो ये छोटा सा फ्रिज हम लेके जा रहे हैं, इसमें हम लोग मेयोनीज भरा हुआ है। ये देखो मेयोनीज, और ये वाइट, ये वेज मेयोनीज है, और इसके अंदर हम लोग है ना आइस वाइस डाल के फिर लेके जाएंगे तो वहाँ पे एकदम। हाँ ये चाइनीज मेयोनीज है। अरे ये स्प्रेड है, चाइनीज स्प्रेड है, और ये अफ्रीकन है। ये तो भाई ये देश का, ये दुनिया का ही नहीं है, स्पेशल इम्पोर्ट वाला। थैंक यू। तेरे में हिम्मत है तो उसका निकाल के दिखा नीचे से। ए यार रुक जाओ, तो हिम्मत मेरे में भी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है भाई। अभी तो तेरे को मेरा कैंसिल करवा रहा हूं। अभी तो तेरे को हमारे साथ 5 दिन और निकालने का। आ जा चला, आ जा, नहीं करा नहीं करा। सो यहाँ पे देखो, अभी मेरे सारे कपड़े ऐसे मैसी हो रखे, और ये जो मेरा बैग है इसके अंदर जो मेरा जो फ़ोन रहेगा, ट्राईपॉड रहेगा, और जो मेरा कैमरा, ड्रोन। मैंने देखा है यूट्यूबर्स जो बड़े बड़े होते हैं वो लोग ट्रैवल करते टाइम बोलते हैं कि एक अलग सा बैग लेते हैं वो लोग, जिसमें वो लोग उनका लैपटॉप और वो सब रखते हैं। आएगा अपना भी टाइम आएगा, कोई नहीं। सो अभी मैंने जो मेरे नॉर्मल जो कपड़े हैं जो मेरे को रेगुलर यूज़ में पहनना है वहाँ पर वो ले लिया है, और रात को पहनने के लिए मैंने मेरा ट्रैक भी ले लिया साथ में। जीन्स मैंने 3 जीन्स भी ले लिए, और जहाँ हम जाने वाले वहाँ पर बीच भी है, तो मेरे पास यार ऐसे ट्राउजर्स वगैरह कुछ है नहीं जो मैं बीच में पहन सकूं, पर कोई नहीं, मेरे को उधर जीन्स पहन के ही फिर बीच में भी जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अभी जो मेरे कपड़े उसको मेरे को पहले प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस यानी इस्त्री। हाँ मतलब वही इस्त्री। टी शर्ट में ये एक आ गया, शर्ट में ये एक दो ये, और जीन्स में 3 जीन्स हो जाएगी, ये दो और ये एक जो मैंने पहना है ये। और अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं ट्रेन में क्या पहनूं, क्योंकि मैं जब भी केरला जाता हूँ तब भी ट्रैक और यही सब पहनना पसंद है, क्योंकि थोड़ा लूज लूज रहता है तो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। बाकी जीन्स में फिर थोड़ी गर्मी भी लगेगी और ये सब, अब देखते हैं रात को कैसा रहेगा सीन। सब लोग अगर जीन्स पहन रहे हो तो मैं भी जीन्स ही पहन के जाऊँगा। इधर अभी सनी जाके शूज में सोल लग रही है, क्या कहना है, कैसा लग रहा है अपने ट्रिप पे जा रहे थे? शब्द नहीं है मेरा, क्या बोला जाए, फीलिंग गुड। अनिकेत का बैग देखो, अनिकेत से ही बड़ा है ये प्रियांका, और मेरा बैग ये वाला। यस तो दिख नहीं रहा है, ये पापा की बड़ी गाड़ी से गिरी। वाइट कलर आ जा, चल रुक जा, मत रख वो वाला पावर। तुझे मैं यहाँ से एकदम पकड़
वापस घर आ गए हम लोग। हुआ क्या था, दीदी का सुबह हो गया थोड़ा, मतलब वो गाड़ी से गिर गई थी तो उसके एलाइन में थोड़ा सा क्रैक आ गया, उसका अभी 10 दिन का रेस्ट रहेगा। तो कोई नहीं, डॉक्टर ने बोला इतना ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, सिर्फ 10 दिन का रेस्ट लेना है, वो ठीक हो जाएगी। और अभी ये देखो, ये फेस वॉश ले लिया है, पेस्ट और ब्रश, और ये सारे, ये शर्ट नहीं ले जा रहा, ये सब मेरे कपड़े, और इसको अभी ब्रश करना बाकी खाली, बस बाकी मेरा पूरा हो गया है। और बैग प्रियांक दे गया घर पे, मैं वो भी बता देता हूँ। सो ये रहा बैग, बैग कुछ इतना बड़ा है। सो इसमें अभी प्रियांक के कपड़े तो ऑलरेडी है ही, अब मेरे जो कपड़े हैं वो भी मैं इसमें डाल दूंगा अभी, और जो एक शर्ट है वो सिर्फ इस्त्री कर देता हूँ मैं फटाफट। फिर उसके बाद मेरे को अभी एक बार नहाना है, पूरे दिन में मैं सुबह नहाया था बाल कटवाने के बाद, उसके बाद अभी पूरा दिन इधर उधर घूमना यार इधर उधर घूमना था, तो फिर मेरा नहाना रह गया, नहा लेता हूँ। और फिर सबसे ज़्यादा जो मौत आने वाली है वो सुबह 3:30 बजे जब जाना है, तब जो नहाना होगा ना उसमें तो मौत आ जाएगी, ठंडा ठंडा पानी होगा। चलो फटाफट अपने निपटा के फिर एडिटिंग करके मेरे को सोने भी जाना है। सो टाइम हो रहा है अभी 2:27 और मैं बाहर आके शूट कर रहा हूँ क्योंकि अंदर सब सो रहे, और मैं सिर्फ 1.5 आवर सोया हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग कर रहा था, फिर लेट हो गया था थोड़ा मेरे को। सो कुछ नहीं, अभी मेरे को सिर्फ मतलब ऐसे स्कूल में जब पिकनिक जाने से पहले वाले दिन रात को कैसा होता है सेम वैसा ही फील हो रहा था, नींद भी मतलब आ रही थी पर ऐसे नहीं पता होता है कि हाँ बस थोड़ी देर में उठना है और बस जाना है, बस वैसा हो रहा था। तो अभी हमको 3:30 तक पहुँचना है सब फ्रेंड्स को, वहाँ पर मैंने सबको उठा दिया है अभी, अब बस नहा के और एक टी शर्ट डाल लिए बस निकलना है। एक्सोर्स अभी यहाँ पर रेडी हो चुका है और चार्जर पर मैंने मेरा एक लिख दिया करना, क्योंकि हम चार लोग हैं जिसके पास iOS है तो हमारा क्या चार्जर इधर उधर ना हो जाए, एक्सचेंज ना हो जाए किसी से, इसलिए फिर मैंने उसमें एक करना लिख दिया है तो वो एक्सचेंज नहीं होगा। और ईयरफोन तो मेरा वैसे ही चला गया था, मैं बिना ईयरफोन के एडिटिंग वगैरह सब करना पड़ता है। बस अभी मैं रेडी हो गया हूँ, बस अब जाने के लिए ना 15-20 मिनट रह गया है, और बस मेरे को एक ही बात का टेंशन है कि वहाँ नेटवर्क आएगा या नहीं आएगा। व्लॉग भी डेली पोस्ट करना है मेरे को, मतलब ऐसा है कि डेली पोस्ट करना है, मैं मेरा पूरा ट्राई करूँगा कि डेली पोस्ट करना है, मैं ऐसा श्योर नहीं कर रहा पर मेरे को ऐसा है कि डेली पोस्ट करना है। सो देखते हैं वो कैसा रहेगा, और अभी चाय पीते फिर निकलते हैं। एक बात का तो बहुत ऐसे दुख है कि यार गिटार नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसका भी रीज़न है, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे स्टेशन और अगर बारिश हुआ तो हमको हमारे रूम तक जाना होगा, और बाकी सारे भी मेरी वजह से फंस जाएंगे क्योंकि फिर बारिश रहेगा तो फिर हम लोग गिटार लेके फिर बारिश में ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और गिटार भी नया है यार, मैं रिस्क भी ऐसा नहीं लेना चाहता सो इसलिए नहीं ले जा रहा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और स्टे ट्यून्ड भाई लोग, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि सब दोस्त लोग हैं साथ में तो फिर ऑब्वियसली बात है बहुत मज़े होने वाले हैं। तो व्लॉग देखते रहना और कमेंट करते रहना कि कैसा लग रहा है, तो फिर मेरे को भी मज़ा आएगा।